हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। फाइनली दिवाली वाला दिन आ चुका है और अब भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों की मॉर्निंग हुई है। दिए वगैरह सब कुछ लगा के रख दिए हैं, ये रहे आपने देख ही लिया होगा। तो अभी बस दिन की हुई है शुरुआत, चाय लेके गए हैं विक्रांत, तो अभी जाके पीते हैं चाय और फिर करते हैं आज के दिन को शुरू और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या नया होने वाला है और किस तरीके से मैं थोड़ी बहुत चीज़ों में, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर नहीं आई हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ों में मैं किस तरीके से थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ या फिर रंगोली हुई मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जनरली हम लोग दिवाली वाले दिन पे पंजाब होते हैं, बट जैसे लास्ट दिवाली पे हम पंजाब थे बट इस बार नहीं जा पाए क्योंकि कल फ्राइडे है और आज है थर्सडे और फ्राइडे को विक्रांत का ऑफ नहीं है, तो इसलिए नहीं जा पाए। अगर ऑफ होता तो हम एक लंबा वीकेंड पंजाब में स्पेंड करते और आपको पंजाब की दिवाली फिर से दिखाते। तो एक्चुअली जब मैं पंजाब में मैंने दिवाली मनाई थी तो मैं ब्लॉग नहीं करती थी, तो इस बार मैं पंजाब की दिवाली आपको ज़रूर दिखाती कि हम लोग वहाँ कैसे मनाते हैं। तो बट मैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसलिए दो दिन से ना मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो बट ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ें कल शाम में जाके मैं लेकर आई हूँ जिसकी क्लिपिंग मैं अब आगे डालूंगी, तो आप वो इन्जॉय करिए और उसके बाद फिर मैं आपसे वो कितने पांच बोले ना मैंने, वो चेक करना ठीक है। हाँ ये ठीक है मैडम, कोई समय नहीं, एक ये भी देख लो ठीक है। भैया ये वाला दे दीजिए, ये जो फिल्के वो और क्या है ऐसे बच्चों वाले, यही है बस फुल जड़ी एक तो लगा रहे हो ना, ये तीन ले लो चप, ये बड़ी है क्या ये ले लो ना, एकदम से खत्म हो जाएगा और छह ले लो। भैया पहले तीखा पानी टेस्ट कराना, रात को मैंने यही सब सामान लिया था। देन दिवाली वाली मॉर्निंग हम लोग जो है फ्रेश फ्लावर्स और थोड़े बहुत फ्रूट्स लेने के लिए निकले थे चाय वगैरह पीने के बाद, और थोड़ा बहुत मुझे रंगोली का कलर्स वगैरह लेने थे तो वो सब लेने के लिए निकले थे कि जल्दी जल्दी जाके ले आते हैं। हे हाँ चलो, एक्चुअली हम लोग आए थे फल और फूल लेने के लिए, ठीक है, तो पास के मॉल में एटीएम में आए और भाई साहब को सुसु आ गया, तो सारे काम छोड़ के पहले सुसु कराओ, ये देख लीजिए बनी को, चलो आगे चलते हैं। सो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। देन घर आके यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी मिक्स पकौड़ियाँ, आलू प्याज गोभी पनीर की पकौड़ियाँ, क्योंकि दिवाली वाला दिन है तो कुछ स्पेशल बनाना तो बनता है यार, तो बस यही मैंने बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी ही देर के बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली सारा नाश्ता वगैरह खाना पीना हो चुका है और नहाना धोना भी हो गया है, तो मैंने डाली है सिंपल सी कुर्ती। तो अब बारी है हमारी रंगोली की, तो यहाँ पे आ चुके हैं रंगोली के कलर्स, तो अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। कबीर सो गया है तो अब शुरू करते हैं डेकोरेशन का काम। सो तो चलिए अब मेरे साथ बनाइए
मेरी छोटी सी प्यारी सी रंगोली, देखते हैं कैसी बनती है। तो चलिए, मैंने सोचा था कि मैं इस एरिया में बनाऊंगी, ये है मेरा थर्ड रूम और अभी ये खाली है, इसको कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा था हम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ से जो है लाइट्स अच्छी आएंगी एंड देन यहाँ पर बैठ के हम लोग फोटोज क्लिक करा सकते हैं। तो दिस इज़ द एरिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख ही लिया होगा और फाइनल लुक मैं आपको रात में दिखाऊंगी। और बस अभी कबीर भी उठ चुका है, यहाँ पर मैंने पूजा में भी छोटी सी रंगोली बना दी है ये, सॉरी। तो इस तरीके से ये कहाँ गया कबीर, कहाँ गया, हाँ हाँ ओके ओके से हैप्पी दिवाली। अभी कैसे गए? आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी। से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और ये सीट यहाँ पे फीड बनाया मम्मा ने जय जय के। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत और डेकोरेशन देखना, यार क्या हाल हो गया है, सारे रंग लग गए हैं मुँह पे। तो डेकोरेशन वगैरह का सारा काम हो चुका है, अब नहीं डेकोरेशन का नहीं, अभी थोड़ा बहुत वो तोरण वगैरह रहती है मेरी, हाँ तोरण रहती है, फ्लावर्स का कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है, तो वो करते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम हो चुके हैं रेडी, ये रहे विक्रांत। हाय, हैप्पी दिवाली। ये और ये रहा कबीर। हाँ, से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मुझे फिर से गया। वो अभी पता नहीं क्या परेशान हो रहा है, बाहर इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं ना, तो उसको लग रहा है कि इतना लाउड क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार, फुल फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम की आईडी है ये। तो चलिए, अब करना है हमें लक्ष्मी पूजन, तो अब चलते हैं अपने पूजन की तरफ और करते हैं अपना दिवाली का पूजन। चलें, दिवाली का पूजन। बट माय, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो पढ़ते हैं आगे, लाइट ऑन करो। दिवाली। तो बस अब लगाते हैं दिए अपनी रंगोली में और कुछ फोटो सेशन करते हैं। और
आपको करती हैं यहीं पे एंड। आई होप काफ़ी लंबा हो गया होगा वैसे तो, बट आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, और फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, और बहुत सारे पटाखे मत चलाइएगा। आई होप जब ये पहुँचेगा तब तक सबकी दिवाली बन चुकी होगी, बट इट्स ओके, आगे के लिए भी थोड़े बहुत ही जलाइए शगुन के नाम के। हम भी बस वही लेकर आए हैं, सिर्फ वो क्या फुलझड़ी, फुलझड़ी और पॉपअप इसके पटाखे लेकर आए हैं, तो अभी उसको उसके लिए बेचैनी हो रही है। सो तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, बाय। राउंड राउंड बिग राउंड, राउंड करो, राउंड करो। खुशियों की मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली।